अभी असली राम जो है मेरे राहुल गांधी जी, शोषित वंचित गरीब राहुल गांधी को राम बना, हम राम है राहुल गांधी, इसी बात हम मानते हैं, राम का रूप है उनमें। अब 80 करोड़ लोगों के हाँ नहीं राम है राहुल गांधी, राम मानते हैं। अरे मोदी जी को हम कहते हैं ना, एक दिन हाफ टी शर्ट पहन के घूम ले। जी क्या है बताइए, मोदी जी लोग कहता देश का प्रधानमंत्री है, हमको जो प्रधानमंत्री, लेकिन हमको लगता है, लेकिन हमको लगता है प्रधानमंत्री है। कोई भी राज्य में चुनाव हो मोदी जी जरूर पहुंच जाएंगे, देश के लिए गोल्ड मेडल आए थे, माँ सीता के रूप में बहन बेटी सड़क पे बैठी हुई है। आज तो सीता का अपमान कर रहे हैं, देश के बेटी का अपमान कर रहे हैं, यहाँ करोड़ों अरबों का मंदिर निर्माण कर रहे, कीजिए देश का बेटी का भी ख्याल रखिए और देश को तरक्की में भी आगे ले जाने का काम कीजिए। होता क्या है कि अनुसूचित जाति जाएगा वहाँ पे उसको रोका जाएगा, भाजपा नहीं, नहीं, उसमें कहा गया सब धर्म के लोग मुसलमान भी जा सकेगा, तो अनुसूचित जाति से भी एक पुजारी होना चाहिए ना वहाँ पर, ये दलित से भी होना चाहिए पुजारी, ब्राह्मण से, क्यों हम ब्राह्मण, आप लोग समुदाय के लोग उनको नहीं आता होगा पूजा करना, कैसे नहीं पूजा करना आता, एक पर एक दलित समुदाय में बोलने वाले लोग हैं, संस्कृत बोलते हैं वहाँ पर, संस्कृत पढ़ते हैं, अच्छा नंबर लाते हैं 10वीं में 12वीं में संस्कृत में, कैसे नहीं बोलते हैं वहाँ पर, ब्राह्मण हम भी है, लेकिन ब्राह्मण से भी ठीक है मुख्य पुजारी होना चाहिए। वेद में भगवान काहे मरोड़ हो रहा है, राम भगवान अभी भी मंदिर में, इतना बड़ा करोड़ों का मंदिर बना उसमें राम भगवान नहीं है, आज गरीब के बीच में है, गरीब के हृदय में बसते हैं राम, आज मेरे दिल में हो सकते हैं, उनके दिल में हो सकते हैं, आपके दिल में, राम हर जगह है। आज मंदिर बना लेंगे इतना बड़ा मर्द चमाचम करेगा तो उससे हम वहां पे राम जी जाके नहीं बैठ जाए, हम क्या बोले, आज जो मेन राम है, राम रूपी राहुल गांधी जी, शोषित वंचित मारेगा लोग, हमको कोई जो सच्चाई है तो। हम राहुल गांधी जी राम है, हम बताना चाहते जो भी है राहुल गांधी जी खुद भी राम है। कांग्रेस का नेता आज से शंकराचार्य थोड़ी ना है, जिस टाइम में कांग्रेस का सरकार था उस टाइम में भी शंकराचार्य जी कांग्रेस के खिलाफ बोले थे, क्योंकि वह हिंदू और मुसलमान में, देश जो है ना शांति का प्रतीक होता है, देश में अमन चैन होना चाहिए, अभी जो हो रहा है राम मंदिर के नाम पे, मुसलमान से खतरा है तो कभी सिख से खतरा है, तो कभी बोस से खतरा है, तो कभी आगरा से खतरा है, तो कभी पिछड़ा से खतरा है, तो बातें नहीं समझ में आता मोदी जी का आगे का मिशन क्या है। दोस्तों 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है और आप तमाम लोग जानते हैं कि इसको लेकर के देश भर में लगातार चर्चाएं हो रही है, पूरा हिंदुस्तान कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र कर रहा है, मीडिया की बात करें तो तमाम मुद्दों को छोड़ करके एक बहुत बड़ा मुद्दा राम मंदिर का बना हुआ है, लगातार मीडिया की सुर्खियों में सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर है, राम मंदिर के साथ एक नाम नरेंद्र मोदी भी है, ये अलग बात है कि दोनों, अगर दोनों की बात करें तो एक कहीं और है एक कहीं और है, लेकिन जिक्र नरेंद्र मोदी का ज़्यादा हो रहा है, लोग इस तरह से कह रहे हैं कि मोदी है तो राम मंदिर बन रहा है, वरना शायद ये बन भी ना पाता, और इस तरह की तमाम बातें हो रही है। इस बीच प्राण प्रतिष्ठा की तमाम तैयारियां हो रही हैं, देश भर में नौजवानों की अपनी अपनी बातें हैं, कुछ नौजवान खूब जश्न में डूबे हुए हैं, कुछ नौजवान दुखी, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक दुख भी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मंदिर बन रहा है तो सब कुछ सफल हो जाएगा, कुछ लोग कह रहा है कि मंदिर बन रहा है तो उससे क्या हमारे पेट में रोटी थोड़ी आ जाएगी, तरह तरह की बातें हो रही है और इस पर तरह तरह की पॉलिटिक्स भी हो रही है, कोई विपक्ष का नेता कह रहा है कि हम नहीं जाएंगे, कोई कह रहा है हमें सही तरीके से इनविटेशन नहीं मिला, कोई कह रहा है कि राजनीति हो रही है, कोई कह रहा है कि इससे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और आरएसएस को फायदा होने वाला है। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ दो युवा हैं, हम उन दोनों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन युवाओं के दिल में किस तरह से राम बसे हुए हैं और किस तरह से राम मंदिर को देख रहे हैं। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय दें। मेरा नाम आलोक कुमार झा है। आलोक जी, राम मंदिर बन रहा है, 22 तारीख को जो है प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, तो कितना खुश हैं? देखिए हम में तो खुशी है, आज राम मंदिर बन रहा है, लेकिन एक तरफ देश में बेरोजगारी और महंगाई है, और राम मंदिर का जो भी प्राण प्रतिष्ठान किया जा रहा है वो सही समय नहीं है, वो आलोक झा नहीं बता रहा है, वो जो है शंकराचार्य वो बता रहे हैं कि अभी राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो आधा अधूरा है, ये चुनाव के मुद्दा और चुनाव को देखते हुए इस राम मंदिर का अभी प्राण प्रतिष्ठान किया जा रहा है, मोदी जी इसमें भी राजनीति करना चाहते हैं। अभी असली राम जो है मेन राहुल गांधी जी, शोषित वंचित गरीब राहुल गांधी को राम बना, हम राम है राहुल गांधी, इसी बात हम मानते हैं, राम का रूप है उनमें, 80 करोड़ लोगों के आस्था, हाँ नहीं राम है राहुल गांधी जी, आज शोषित
और वंचित के बीच में राहुल गांधी जी इतना ठंड में जा रहे हैं, उनका दुख सुनेंगे। जो उनका दुख है गरीबी और बेरोजगारी से, जो युवा परेशान है उनसे जाके मिलेंगे। राम राहुल गांधी जी असली है। आज मोदी जी एक दिन बिन टी शर्ट पहन के पूरे देश में घूम ले, हम मान जाएंगे मोदी जी का 56 इंच का सीना है या उनमें भी कोई दैविक शक्ति है। असली तो आपके राम में दैविक शक्ति है, मतलब आपके राहुल में दैविक शक्ति बात कर रहे हैं। रियली बताते हैं कैसा दैविक शक्ति है, क्या है? आज इतना ठंडा पड़ता है, माइनस में है आज माइनस में 25-20% माइनस में है ठंडा, ठीक। वहां पे राहुल गांधी टी शर्ट पहन के पूरे देश का भ्रमण कर, शुरुआती ठंडी था वो, अभी आज से फिर से चालू हुआ है। राम तो आज राहुल गांधी 5 किलोमीटर चलेगा तो आपके अंदर भी गर्मी फूक दे, तो उसके लिए राम होने की जरूरत नहीं। मोदी जी मन की बात करके अपना काम चला ले रहे हैं। मोदी जी जो मन का बात करते वो मन का बात नहीं होता है, वो जुमला होता है। वो जनता को जो सही मुद्दा है उससे ध्यान कैसे भटक जाए, सही मुद्दा पे जनता का दिमाग नहीं जाए, इसके कारण ये सब अनाप शनाप बोलते हैं। आज सो रहता राम मंदिर का सही समय रहता तो शंकराचार्य जी सब जाते। शंकराचार्य आज तो पॉलिटिक्स कर रहे, कांग्रेस के नेता सब बन गए हैं लोग। अरे कांग्रेस का नेता आज से शंकराचार्य थोड़ी ना है, जिस टाइम में कांग्रेस का सरकार था उस टाइम में भी शंकराचार्य जी कांग्रेस के खिलाफ बोले थे, क्योंकि वह हिंदू और मुसलमान में देश जो है ना शांति का प्रतीक होता है, देश में अमन चैन होना चाहिए। अभी जो हो रहा है राम मंदिर के नाम पे, मुसलमान से खतरा है तो कभी सिख से खतरा है, तो कभी बौद्ध से खतरा है, तो कभी आगरा से खतरा है, तो कभी पिछड़ा से खतरा है, तो बातें नहीं समझ में आता। मोदी जी का आगे का मिशन क्या है, देश का युवा को क्या देना चाहते हैं? मंदिर देखिए, भव्य मंदिर बन रहा है, एक पूरा कोना कोना देख लिए, नक्काशी हुआ है, इसमें आपको क्या दिक्कत है? इतना हजारों लोग इसमें रोजगार पाया होगा बनाने वक्त में, देखिए तो सब नौकरी कर रहा है। हम समझ गए, इतना आदमी को रोजगार मिला है, इसमें अच्छा मंदिर बना है, हम सारा बात मानते हैं, लेकिन मंदिर से देश का युवा को नौकरी नहीं मिल जाएगा? होगा कोई संस्था में, कोई अस्पताल में थोड़ा बहुत सहयोग कर पाएंगे, लेकिन वह अगर अस्पताल बनाते, किसी को 50,000 का 1,00,000 का जॉब मिलता वह और अच्छा होता। राम मंदिर से भी जॉब मिलेगा, वहां से कितना मिलेगा? 10,000-20,000। राम तो मेरे दिल में है, राम हम मेरे दिल में है, जब से हम राजनीति नहीं थे तब। 1556 में बाबरी मस्जिद बनी थी जी, लोगों का ये कहना है कि उसी जगह पर जो है पहले राम मंदिर रहा होगा, उसको तोड़ दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ये बात प्रूफ नहीं हुआ, ये बात कही गई कि हाँ भाई उसके नीचे जो है कुछ ऐसा सामान मिला था जिससे प्रतीत होता है कि आसपास में कोई बिल्डिंग रही होगी, लेकिन प्रूफ नहीं हुआ कोई मंदिर है। लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि अगर वहां पे मंदिर थी तो मतलब है कि लगभग 500 सालों से राम जी अपने स्थल पे नहीं थे, अब उनको वो स्थान जो है भाजपा दे रही है। दिक्कत क्या है? राम भगवान का है मरोड़ हो रहा है आप लोगों का। राम भगवान अभी भी मंदिर में, इतना बड़ा करोड़ों का मंदिर बना, उसमें राम भगवान नहीं है। आज गरीब के बीच में है, गरीब के हृदय में बसते हैं राम। आज मेरे दिल में हो सकते हैं, उनके दिल में हो सकते हैं, आपके दिल में, राम हर जगह है। आज मंदिर बना लेंगे, इतना बड़ा मंदिर चमाचम करेगा तो उससे हम वहां पे राम जी जाके नहीं बैठ जाए, हम क्या बोले? आज जो मेन राम है, राम रूपी राहुल गांधी जी, शोषित वंचित लोग, हमको कोई जो सच्चाई है, हम राहुल गांधी जी राम है, हम बताना चाहते, जो भी है राहुल गांधी जी खुद राम है। नहीं तो हम सुनिए ना भाई, आपको बताते हैं, आज देश की बेटी सीता रूपी बेटी रोड पे दिल्ली के बहुत सारा बॉर्डर पे आंदोलन प्रबंधन, जो देश के लिए गोल्ड मेडल आई थी, माँ सीता के रूप में बहन बेटी सड़क पे बैठी हुई है। आज तो सीता का आप अपमान कर रहे हैं, देश के बेटी का अपमान कर रहे हैं, यहाँ करोड़ों अरबों का मंदिर निर्माण कर रहे, कीजिए देश का बेटी का भी ख्याल रखिए और देश को तरक्की में भी आगे ले जाने का काम कीजिए। तो ये आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गलत है? हाँ, लेकिन आप जो एक बात बोले हैं, इस बात से तो खैर हम भी समर्थन नहीं करते हैं कि आप राहुल गांधी को राम बता रहे हैं। हम राम मानते हैं, अरे मोदी जी को हम कहते हैं ना, एक दिन हाफ टी शर्ट पहन के घूम ले। मोदी जी क्या है बताइए, मोदी जी लोग कहता है देश का प्रधानमंत्री है, लेकिन हमको लगता है प्रधानमंत्री है,
कोई भी राज्य में चुनाव हो मोदी जी जरूर पहुंच जाएंगे। उनका अपना पार्टी है तो करेंगे। तो पार्टी तो प्रधानमंत्री का है, प्रधानमंत्री कोई ईमानदार अच्छा व्यक्ति को बना दिए बैठ जाएंगे, वो प्रधानमंत्री का कुर्सी संभाल। प्रचारो आप ही कीजिएगा, विदेश में नया नया चीज आप ही देखिएगा, विदेश में कोई ऐसा काम होगा तो उसको आप ही देखिएगा, चुनाव का प्रचार भी। तो जनता युवा के लिए जो आपको सरकार के रूप में चुना गया है तो आप नहीं समर्थता नहीं कर पाते, इस्तीफा दे दीजिए। आपके पार्टी में बहुत सारा नेता होगा, आप उनको में प्रधानमंत्री। आप आपसे बात करेंगे अभी, एक और साथी हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अंकित झा। अंकित जी ये बताइए कि आपके सहयोगी हैं साथ में आप हैं, तो कितना सहमत हैं आप इनकी बात से? इनकी बातों से मैं सहमत हूँ। मंदिर ठीक है, मंदिर अच्छी बात है, वहाँ से रोजगार मिलेगा, लेकिन असर रोजगार शिक्षा भी है, शिक्षा जगत में अगर रोजगार बाद में तो खैर है, वो पांच जो पुजारी रहेंगे उन्हीं को बाद में पुजारी रहते हैं। मंदिर में नियम बताते हैं, मंदिर में होता क्या है कि अनुसूचित जाति जाएगा वहाँ पे उसको रोका जाएगा। भाजपा ने उसमें कहा गया सब धर्म के लोग अनुसूचित जाति से भी एक पुजारी होना चाहिए वहाँ पर, दलित से भी होना चाहिए पुजारी, ने ब्राह्मण से क्यों, हम ब्राह्मण आप लोग समुदाय के लोग उनको नहीं आता होगा पूजा करना, कैसे नहीं पूजा करना आता? एक पर एक दलित समुदाय में बोलने वाले लोग हैं, संस्कृत बोलते हैं वहाँ पर, संस्कृत पढ़ते हैं, अच्छा नंबर लाते हैं 10वीं में 12वीं में संस्कृत में, कैसे नहीं बोलते हैं? वहां पर ब्राह्मण हम भी है, लेकिन ब्राह्मण से भी ठीक है मुख्य पुजारी होना चाहिए, वेद में लिखा है। लेकिन सभी जाति का वहां पर जब रहेगा तभी सभी जाति के लोग जब मंदिर जाएंगे वहां पर उनको बराबर सम्मान मिलेगा। जब एक ही जाति को आप आगे कीजिएगा, भगवान राम क्या थे? भगवान राम एक आस्था के प्रतीक है, विश्वास के प्रतीक है, जो सामंतवाद है उसको उन्होंने खत्म कर चुका है, भगवान राम खत्म कर चुका। माता सब अब देखिएगा, सब माता सबरी अनुसूचित जाति से आती थी, प्रभु श्री राम उनके जूठा बेर खाए हैं। अब भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र था, हम आपको कहानी सुनाते हैं। आज जो देश में स्थिति है कि यहाँ पे जाति विवाद लोग देखता है ज्यादा, फलाना जाति का उसके, आज भी गांव घर में आप देखिएगा कि दलित महादलित नहीं चढ़ पाता है ब्राह्मण के घर पर। अब घर पे जब ब्राह्मण नहीं चढ़ने देगा तो मंदिर में घुसने देगा? कभी नहीं घुसने देगा। इसलिए वहां पर यह भी नियम निकालना चाहिए कि सभी जाति के लोग वहां पे पंडित हो, पुजारी हो, पूजा करे। चलिए अब आते हैं रोजगार पर। आप खुद ब्राह्मण हैं, खुद हम ब्राह्मण, कोई बात कबूल है, एकदम पच रहा है आपको ये बात? बिल्कुल पच रहा है, क्योंकि हम समाजवादी लोग हैं, हम समाज सेवा में विश्वास रखते हैं, सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं, तो हम बिल्कुल इससे सहमत हैं। तो ये है विषय, तो है ये बड़ा विषय है, क्योंकि बहुत सारे जगह से ऐसी खबरें आती है कि कोई दलित समुदाय का हुआ तो उसकी वजह से उसको मंदिर में उसके साथ विवाद हो जाता है, ये तरह तरह की। हालांकि ये बहुत गलत है, अगर कोई लोग करते हैं तो बहुत वाकई गलत है। हाँ, कुछ दिन पूर्व हम देखे हुए थे मध्वाचार्य जी का एक बयान आया हुआ था, कुछ एक वो संस्कृत में श्लोक बोलते हुए बोल रहे थे कि चमार पे उन्होंने, चमार जाति जो एक मतलब कि दलित महादलित में आती है, उस पर उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग कर दिया। हालांकि उनको मानते थे, बचपन से नेत्रहीन थे और उन्होंने जो शिक्षा ग्रहण किया बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको ये बात सोच समझ के बोलना चाहिए। तो चमार भगवान राम कभी जातिवाद नहीं फैलाया, कृष्ण भगवान के मित्र थे, हम गीता में ये सब तो बाद में बनाए, भगवान राम कब, ये सब तो अभी कुछ साल पहले कही है, अगर 500 2000 साल पहले जाइएगा तो ये सब वर्ण सिस्टम बना है, दलित और ये वो। वही ना कहते, आज ये बना है सिस्टम, पहले कहाँ था? राम भद्राचार्य खुद बहुत बड़े ज्ञानी है, आज उन्होंने चमार पे एक विशेष समुदाय पे जो टिप्पणी किया वो उससे मेरा दिल बहुत हाथ हुआ। हम खुद उनका मानते हैं जो सच्चा बात, लेकिन उन्होंने जो टिप्पणी किया है वो जिस प्रभु श्री राम का वो कथा करते हैं, जिस भागवत गीता का वो कथा, उसी में पढ़ ले माता सबरी का जो खाबेर प्रभु राम खाए हुए हैं। प्रभु श्री कृष्ण उनका एक मित्र था, खेलते खेलते गेंद मतलब हरा गया, गेंद खोजने में प्रभु श्री कृष्ण का समय बीत रहा था, भूख लग गया, उनके मित्र खाना लाने के लिए गए, फिर उसके घर में कुछ नहीं था, लेकिन वो क्या किया, खुद खा लिए माँ से बोलकर, झूठ बोलकर के, माँ हमको दे दो, हम दोनों मित्र खा लेंगे अपना, लेकिन वो खा लिए प्रभु के लिए नहीं ले गए। जब प्रभु श्री कृष्ण को यह बात पता चला तो उसके मुंह में से उगलवा करके, ऐसा के मुंह में से जैसा निशा है उस प्रकार से लेकर के अपने मुंह में डालिए खा लिए, बोले नहीं आप भाव लेकर के आए, हम भाव से प्रसन्न हुए, नहीं था उसे क्या, भक्त का जूठा भी भगवान खाते हैं। ये सब नहीं होने चाहिए कि चमार है, फलना महादलित है, ये जातिवाद खत्म होना चाहिए। मंदिर जब बन रहा है तो संदेश यही जाना चाहिए कि सब भारत माँ का संतान है, सब ईश्वर अल्लाह सब एक है, ये नहीं होता वहाँ पे जाति, हिंदू में भी जातिवाद, ये सब गलत है, इसलिए हिंदू बट रहा है, ये सब गलत बात है। तो ये एक बड़ा विषय है कि जैसे एक बात और हम लेना चाहेंगे आपका समय, रोजगार पर। सही बात बोले भाई साहब कि रोजगार भी मिलना चाहिए मंदिर के साथ, ठीक है मंदिर से रोजगार मिलेगा, लेकिन रोजगार असल तो ये भी है ना कि स्कूल में अच्छा शिक्षक मिले ताकि बच्चे को अच्छे तालीम मिल सके, अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था में अच्छे डॉक्टर रहेंगे अस्पताल में तभी वहाँ पे अच्छा इलाज गरीब का हो सके। प्रभु श्री राम तो इलाज करने के लिए ना वहाँ पे तो डॉक्टर ही करेगा, डॉक्टर का इलाज करेगा जब वो सही कॉलेज में पढ़ेगा, सही से MBBS का पढ़ाई करेगा, सभी कर पाएगा। जब पढ़ने की सिस्टम ही नहीं रहेगी तो वो झोला छाप डॉक्टर बनेंगे कोई भी, नुकसान होगा उसे गरीब, मान लीजिए इलाज के
से मर जाएगा, नहीं होगा उसका सही इलाज। तो ये सब पर भी सरकार को सोचना चाहिए। मंदिर अच्छी बात है, मंदिर अध्यात्म का बात है, रहना चाहिए जुड़ा, अच्छी बात है, मंदिर बनना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हॉस्पिटल, स्कूल, रोजगार, ये सभी मिलना चाहिए, बनना चाहिए, तभी देश का कल्याण होगा। अभी कुछ ही दिन पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मधुबनी के झंझारपुर में पहुंचे थे और उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर आपका पैर टूट जाए या पैर में चोट लग जाए तो आप कहाँ जाइएगा, मंदिर जाइएगा या फिर अस्पताल जाइएगा। लोगों ने कहा कि अस्पताल जाएंगे, लेकिन उनके कह लेने के बाद फिर मीडिया में खूब विवाद हुआ। बजाबते मेन स्ट्रीम मीडिया ने घंटों प्राइम टाइम पर तेजस्वी यादव को गलत करने की तमाम कोशिशें की, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कोई इंसान बीमार पड़ जाए या किसी को चोट लगे तो वो जाता अस्पताल ही। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि तमाम लोगों की आस्थाएँ हैं, हर धर्म के लोगों की अपनी एक आस्था है और वो आस्था बनी रहनी चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि लोग सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर लग जाए। आज वाकई देश को ज़रूरत है कि धर्म की राजनीति से निकले, लेकिन अफसोस की बात यह है कि देश के प्रधान सेवक ही इसमें लगे हुए हैं। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस देश में एक राम मंदिर बन रहा है, इतना करोड़ों रुपया का खर्च है, एक गेट 60 करोड़ रुपये का बना है, सोच लीजिए कि एक गेट सोने का है और 13 गेट बन रहा है, न जाने कितने खर्चे हैं। इन तमाम चीज़ों में सबसे चौंकाने वाली चीज़ यह है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जो गर्भगृह में जाने वाले 5 लोग हैं, उनका नाम काफ़ी चौंकाने वाला है। वैसे तो ये तमाम चीज़ें 22 तारीख को साफ हो जाएगी, लेकिन उन 5 नामों में जो 5 नाम हैं वो हम आपको एक बार फिर से बताना चाहेंगे। पहला नाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। समझ नहीं आता है कि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अंदर गर्भगृह में उनका क्या काम है। दूसरा नाम सीएम योगी आदित्यनाथ है। ये भी समझ से परे चीज़ है कि योगी जी वहाँ पर क्या कर रहे हैं। अगर वो योगी हैं तो फिर सीएम नहीं है, सीएम है तो योगी नहीं है, किस हैसियत से वो जा रहे हैं ये क्लियर होनी चाहिए। तीसरा नाम तो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला है, वो है उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, जिनके बारे में और प्रधानमंत्री जी के बारे में कई सारी चर्चाएं पहले पूर्व में हो चुकी है। चौथा नाम है मोहन भागवत, जो कि आरएसएस के प्रमुख है। सवाल ये उठता है कि आरएसएस का यहाँ पर क्या रोल है, क्यों उस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में और गर्भगृह में वो क्यों जाएंगे। पांचवा नाम इन तमाम लोगों में एक नाम है जो शायद सही है, वो है कि वहाँ के जो पुजारी हैं, जिनका नाम गालिबन मोहित या इसी तरह का कोई नाम है, जो वहाँ के मुख्य पुजारी हैं, लेकिन ये 4 लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए नहीं जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। इस देश के शंकराचार्य हैं, 4 शंकराचार्य हैं, आप तमाम लोग जानते हैं कि आदिकाल से ही शंकराचार्य रहे हैं। उन लोगों ने 4 शंकराचार्य भारत के 4 कोनों में रख दिया, जिसमें एक पुरी के जो शंकराचार्य हैं जो बिहार के मधुबनी ज़िला से ही बिलोंग करते हैं, इत्तफाक है कि मिथिला के क्षेत्र से हैं और वो पुरी में जा करके आज बहुत बड़े शंकराचार्य हैं। नाम उनका निश्चलानंद सरस्वती है। निश्चलानंद सरस्वती कहते हैं कि एक बात बताइए कि हम वहाँ जा करके क्या करेंगे। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो मंदिर में रामलला को छुएंगे और उसको ले जा करके वो गर्भगृह में रखेंगे, हम क्या तालियां बजाते रहेंगे। तो वाकई इन सवालों पर गौर करने की ज़रूरत है और ये वक्त की ज़रूरत भी है। मान लेते हैं कि इसको छोड़ देते हैं, एक मोहल्ले की मस्जिद में चले जाइए और वहाँ पे कहा जाए कि मस्जिद में नमाज आज इमाम साहब नहीं पढ़ाएंगे बल्कि मोहल्ले के विधायक जी पढ़ाएंगे, अच्छा लगता है ये बात सुन करके। सीधी सी बात है कि विधायक जी का उसमें क्या काम है। उसी तरह इसको बड़े पैमाने पर देखते हैं, देश का बड़ा मंदिर है, तमाम राम मंदिर, बहुत सारी मंदिरें हैं, लेकिन उन मंदिर में राम मंदिर के नाम पर एक बड़ा प्रतिष्ठित मंदिर बनाया गया है। बहुत सालों से विवादित रहा है, विवाद में रहा, लेकिन मंदिर बन करके तैयार हो रहा है। हालांकि तैयार नहीं हुआ है, ना 22 तारीख को वो तैयार हो रहा है। उनकी अभी जितना काम हुआ है समझ लीजिए उसका 20-25% काम हुआ होगा। खैर, उसमें भी अगर इसको करना है तो उसमें देश के प्रधानमंत्री का क्या काम है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर प्रधानमंत्री को ही ये काम करवाना था तो क्यों नहीं देश के सबसे प्रथम व्यक्ति, जिनका नाम आप तमाम लोग जानते हैं, हमारे देश के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से क्यों नहीं करवाया गया। क्यों? क्योंकि वो दलित समुदाय से है या फिर वो ट्राइबल से आती हैं, ये सवाल है और इन सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देनी चाहिए, इस देश के तमाम लोगों को सोचना चाहिए। मैं इनकी बात से इत्तफाक नहीं रखता हूँ कि राहुल राम है, राहुल राम नहीं हो सकते हैं। हाँ, वो उनके कहा जा सकता है कि पदचिन्ह पे चलने वाले एक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन वो राम नहीं हो सकते हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जिसके बारे में बहुत बातें कही गई। खुद अल्लामा इकबाल ने उनके बारे में ये बात कही थी कि उन्हें तो इमाम हिंद कहा जाता है। तो उनके पदचिन्ह पे लोग चल सकते हैं, लेकिन ये कह देना कि कोई राम है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। राम न मोदी हो सकते हैं, राम न राहुल गांधी हो सकते हैं। हाँ, उनके चलने के अंदाज पर, उनके कई बातों पर चला जा सकता है, लेकिन जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी नीति है, ये बताती है कि वो राम की नीति नहीं है। जिस उत्तर प्रदेश में रोज बेटियों की इज्जत लूटती हो, जिस देश के तमाम
अगर क्राइम के परसेंटेज को निकाल लीजिए, आधा जो क्राइम होता है औरतों के खिलाफ, NCW का रिपोर्ट है, नेशनल वीमेन कमीशन का ये रिपोर्ट है कि 16,000 मामले में 8,000 से ज़्यादा मामले उत्तर प्रदेश में होते हैं जहां बेटियों को गाली दी जाती है, जहां देश की राजधानी में दिल्ली में जो साहब कह रहे थे कि हमारी एथलीट्स जो लड़कियां हैं उन्हें जब मारा जाता है, पीटा जाता है और घसीटा जाता है, तो समझ में आता है कि जिस देश में सीता की इज्जत नहीं है, जिस देश में सीता को मानने वालों की इज्जत नहीं है, उस देश में राम का इतना बड़ा मंदिर बना देने से राम कभी खुश नहीं होंगे। इस बात को मानने की जरूरत है। शंकराचार्य सनातन धर्म के प्रधानमंत्री, जैसे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, वैसे शंकराचार्य सनातन धर्म के प्रधानमंत्री है, लेकिन मोदी जी उनको आमंत्रित किए हैं बाहर में ताली बजाने के लिए, ना कि उनको प्राण प्रतिष्ठा में कोई सहयोग या उपस्थिति। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा शंकराचार्य के अगर हाथों होता तो शायद प्रभु श्री राम और भी प्रसन्न होते, लेकिन मोदी जी के हाथों से, और ये स्पष्ट प्रभु श्री राम भी समझ चुके हैं कि ये राजनीति हो रही है। आपने देखा होगा ट्विटर पर एक ट्वीट, मतलब बीजेपी कर्नाटक के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट हुआ था कि प्रभु श्री राम मोदी जी हाथ में लेकर चल रहे हैं। तो क्या मोदी जी प्रभु श्री राम से बड़े हैं? कितना बड़ा गलत, मैंने भी उस पे खबर बनाई, कितना बड़ा गलत बात है। प्रभु श्री राम त्रिलोकीनाथ है, सब जानते हैं। वो प्रभु श्री राम ये कभी बोलते हैं कि हम हिंदू के हैं, मुसलमान के, उनके समय जातिवाद था ही नहीं। ये जातिवाद यह भी फैल रहा है, कोई हिंदू है मुसलमान। बीजेपी का नेता एक अरुण यादव करके, वो हमेशा मुसलमान के खिलाफ इतनी इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करता है जो शब्द में हम बयां नहीं कर सकते, उस पे कार्यवाही मोदी जी करते हैं। या राम मंदिर मान लीजिए प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित हो जाएंगे तो क्या प्रभु श्री राम उन पर प्रसन्न हो जाए? अरुण यादव का भी सुने कुछ दिन पहले हरियाणा कांग्रेस, हरियाणा भाजपा का सोशल मीडिया का हेड बनाया गया। कितना दिक्कत सोचने वाली बात है कि ऐसे ऐसे आदमी को राम का राज्य स्थापित कर रहे हैं, ऐसे ऐसे आदमी को प्रदेश स्तर का पद दे रहे हैं, जिला स्तर का पद दे रहे हैं। कितनी गलत बात है। अभी कुछ दिन पूर्व 3 बीजेपी का ही महामंत्री था, बीजेपी आई टी सेल का, मैंने BSU के स्टूडेंट के साथ बलात्कार किया। कितना ये दुखद बात है। यूपी का वाराणसी का बात है, जहां बाबा विश्वनाथ का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में बीजेपी ये बात जानती थी, उनसे बीजेपी 1 महीना चुनाव प्रचार कराई मध्य प्रदेश चुनाव में, लेकिन जब प्रशासन पकड़ा तब जाकर के मोदी जी को या उनके दल को ज्ञान हुआ। वो लोग जानते थे फिर उनको संरक्षण दे रहे थे, बचा रहे थे, लेकिन प्रशासन फिर भी प्रशासन होती है। कितनी भी उसको आप खरीदने की कोशिश कीजिए, कभी ना कभी उसका जमीर जगता है, वो ऐसे ऐसे कुकर्मी को पकड़ करके जेल में डालने का काम करती है। इसी के साथ हम अपना बात खत्म करें। चलिए, तो आप तमाम लोगों ने तमाम बातें सुन ली है, बाकी आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।